मेरे मंडल क्षेत्र में जिला पंचायत और जिला पंचायत क्रमांक 8 कुछ भाग लगभग 10 बूथ हमारे मंडल क्षेत्र में आते हैं और जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 से डॉक्टर विजय राठौर जी यहाँ पर उपस्थित हैं और 8 से श्रीमती हरेश्वरी संग्राम जो कि पहले भी जिला पंचायत रह चुके हैं हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने यहाँ एक साल में लोगों को निराश किया है और निश्चित रूप से किसान इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि उनको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने धान नहीं गांजा उगा लिया, इतना प्रताड़ित हो रहे हैं। धान के मामले को लेकर हम लोग निश्चित रूप से इसमें जाएंगे और भी कई मुद्दे हैं, कई उनके इतने सारे वादे थे जो कि एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए हैं और हमारे प्रत्याशी हमारे कार्यकर्ता और हमारी जनता हमारे साथ है और सारे मुद्दे लेकर हम इसमें चुनाव में जा रहे हैं। आज अंतिम तिथि है और सब लोग अपना मुहूर्त देख कर और अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। हमारे वार्ड क्रमांक 7 के डॉक्टर विजय राठौर जी जो एक बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे आग्रह किया कि आपको इस बार जिला पंचायत चुनाव लड़ना है। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से उनका और उनका परिवार इससे जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र से। मैं समझता हूँ कि आज लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी 12 प्रत्याशी अपने समय और मुहूर्त को देख कर आज अपना नामांकन दाखिल करते हैं। ये चुनाव आपका जो था ये किस प्रमुख उद्देश्यों के चुनाव लड़े जा रहे हैं? क्षेत्र के अंदर जब इस तरह के जो चुनाव होते हैं पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत के तो वहाँ पर मुद्दे कुछ अलग रहते हैं, लेकिन एक मुद्दा जो क्योंकि ये गांव में किसानों का चुनाव है और किसान आज बहुत परेशान और हताश है और इस कांग्रेस की सरकार से तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका पूरा ठीकरा कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है तो शंका भी है कि कांग्रेस शायद हो सकता है अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा न करे क्योंकि वो जानती है कि अगर इस तरह के अगर काम करेंगे तो कांग्रेस का पूरा सूपड़ा साफ हो जाने वाला है।